Hello students, good morning. Welcome to the online classes of RCA Education Hub Bansur. चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3. और चैप्टर नंबर 3 में हमें आज डिस्कस करनी है ब्रायोफाइट्स की टू टाइप्स, दैट इज लिवर वॉर्ट्स एंड मोसेस. ओके, लिवर वॉर्ट्स एंड मोसेस. तो देखिए जनरल फीचर्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉडी है दैट इज थैलस लाइक थैलोइड स्ट्रक्चर होता है. इज दैट क्लियर? तो थैलोइड स्ट्रक्चर में आप देखें, इसमें ध्यान रखिए आप, एक तो अगर बात करें लीवर वॉर्ट्स की तो इनका जो थैलस होता है वो डोर्सी वेंट्रली एंड कंप्रेस्ड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम, एब्सेस्ड या कंप्रेस्ड टुवर्ड्स सबस्ट्रेटम. यानी कहने का मतलब है, देखिए डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होने का मतलब क्या है, इस तरह से पूरी तरह से जो वो कंप्रेस्ड है. इज दैट क्लियर? डॉर्सल और वेंट्रल दो साइड्स होती हैं और डॉर्सी वेंट्रली वो क्या होते हैं, सबस्टेटम के साइड में कंप्रेस्ड होते हैं. इज दैट क्लियर? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मार्केंसिया. अंडरस्टैंड बेटा मार्केंसिया? इसमें देखिए ये राइजोइड्स हैं. अंडरस्टैंड? ये इसका जो है थैलस है विच इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड. मैंने दोनों स्ट्रक्चर एक ही जगह पे बना दिए हैं. दिस इज एंथ्रीडियम, सॉरी एंथ्रीडियो फोर. इट इज एंथ्रीडियो फोर. ओके, एंथ्रीडियो फोर. एंड दिस वन इज आर्किगोनियो फोर. आर्किगोनियो फोर. ओके, अब आर्किगोनियो फोर पे क्या होगा, आर्किगोनियम होंगे जो क्या है, फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और ये क्या है, मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. एंथ्रीडियो फोर और आर्किगोनियो फोर को देख के आप पहचान सकते हैं, क्योंकि एंथ्रीडियो फोर में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है सामने का, इसमें जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्रीली अटैच होते हैं. फ्रीली, ठीक है, इस तरह से फ्रीली अटैच होते हैं. और जो आर्किगोनियो फोर में है, ये इसकी जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं बिल्कुल, ठीक है. तो इसको देख के आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज एंथ्रीडियो फोर एंड विच वन इज आर्किगोनियो फोर. आप देखिए इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर गैमा कप्स, ठीक है, गैमा कप्स है ये, गैमा कप्स. और इन गैमा कप के ऊपर क्या होते हैं, गैमे या गैमा प्रोड्यूस होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इज दैट क्लियर? ये ग्रीन कलर के होते हैं और रिसेप्टिकल्स होते हैं जो गैमा को कंटेन करते हैं और गैमा फिर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. अंडरस्टैंड बेटा? और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन. क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन. तो इसमें देखिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तो है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है गैमा कप्स. गैमा कप्स के अंदर क्या होते हैं, गैमा होते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? अब अगर बात करें तो आपको पता है जब फ्यूजन होगा यहाँ पे इसके आपकी एंथ्रीडियो फोर के अंदर एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे, आर्किगोनियो फोर के अंदर आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर फीमेल सेक्स फीमेल गैमेट्स. ये जब फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा. क्या बनेगा जब ये फ्यूजन करेंगे, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्पोरोफाइट बनेगा. और इस स्पोरोफाइट की एक खास बात आप ध्यान रखना बेटा, स्पोरोफाइट डिवाइड हो जाता है थ्री स्ट्रक्चर में, दैट इज कैप्सूल, सीटा एंड फूड. आप इसको फूड, सीटा एंड कैप्सूल भी कह सकते हो, यानी नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो फूड, फिर सीटा, फिर कैप्सूल. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से थ्री पार्ट्स में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. अंडरस्टैंड? थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसमें फूड, कैप्सूल, फूड, सीटा एंड कैप्सूल. ओके बेटा? ओके, फूड, सीटा एंड कैप्सूल. आप देखिए उसके बाद अगर हम बात करें फूड, सीटा एंड कैप्सूल, मैं आपको बना के बताऊंगी बाद में, जो आपका फिनेरिया होता है उसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. ये कैप्सूल होता है, इसमें ये सीटा और नीचे इसमें एक फूड लाइक यानी राइजोइड्स जिसपे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इज दैट क्लियर? तो फूड, सीटा और कैप्सूल, ये कैप्सूल है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा बाद में. कैप्सूल क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, सीटा एंड दिस वन इज फूड. यानी स्पोरोफाइट फूड, सीटा और कैप्सूल में क्या होता है, डिवाइड होता है. अब देखिए अब बात आती है मोसेस की, ठीक है. ये इतना आप समझ गए होंगे कि इसमें जो स्पोरोफाइट है थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बाकी जनरल फीचर हम देख ही चुके हैं. इसमें स्पेशली
आप मार्केंसिया का एग्जांपल याद रखेंगे कि मार्केंसिया डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इसका थैलस होता है और इसमें गैमा कप्स होते हैं। अब देखिए मोसेस की अगर बात करें तो इसमें भी गैमेटोफिटिक स्टेज है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ये गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है। लेकिन मोसेस में क्या होता है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज, एक को बोलते हैं प्रोटोनिमा और दूसरी होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा जो है वो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ये डायरेक्ट स्पोर से प्रोड्यूस होती है, स्पोर्स जो होते हैं ना उन स्पोर से डायरेक्टली ये प्रोड्यूस होती है, इज दैट क्लियर। और दूसरी जो स्टेज है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज में क्या होता है ये लीफी स्टेज लेटर ऑन क्रीपिंग ग्राउंड पे क्रीप करती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांचेस होती हैं इसके, ओके। और वो क्रीपिंग जो स्टेज है उस क्रीपिंग स्टेज को क्या कहते हैं, लीफी स्टेज, इज दैट क्लियर बेटा। दो स्टेज होती हैं। बाकी इसमें अगर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखें तो इसमें एक तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, और दूसरा इसमें होता है बडिंग। एक तो इसमें होता है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा क्या होता है इसमें बेटा, बडिंग। इज दैट क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम वही होते हैं, आर्किगोनियम होते हैं, एंथ्रीडियम होते हैं, जो आर्किगोनियम जो है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो एंथ्रीडियम है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है और उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है, स्पोरोफाइट। अब इसमें भी सेम वही है, स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएटेड होता है, वही फूड सिटा एंड कैप्सूल में, इज इट क्लियर। एक और खास बात जो आपको मोसेस की याद रखनी है वो ये कि इसमें स्पोर डिस्पर्जल वाली कैपेबिलिटी भी होती है, स्पोर डिस्पर्जल, ठीक है। यानी स्पोर्स जिसके अंदर होते हैं तो वो एकदम से क्या होता है, प्रेशर के साथ ओपन होता है, प्रेशर के साथ जब वो ओपन होता है तो वो स्पोर्स काफ़ी दूर तक डिस्पर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो मेन पॉइंट है वो किस में होता है, वो मोसेस में प्रेजेंट होता है, इज इट क्लियर बेटा। तो आपको देखो मैंने लीवर बोर्ड्स के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे मार्केंसिया, ठीक है, वैसे आपके मोसेस के एग्जांपल हो गए फिनेरिया, स्फैग्नम, अंडरस्टैंड, वो आप देख सकते हैं। जैसे स्फैग्नम की बात करें तो उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा वेल डेवलप्ड होता है, आपका एनसीईआरटी में उसका डायग्राम दिखाया गया है। बाकी स्फैग्नम को तो आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि फ्यूल पर्पज के लिए, प्लस इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब बहुत डिटेल तो नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी होती है, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। तो पहले होता था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आपने 12th क्लास में आप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें एक मैथड होता है गुटी, ठीक है। गुट्टी में क्या होता है बेटा, इसको दो प्लांट के पार्ट्स को कट करके अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन उसको एरियल एयर में ज्वाइन करते हैं, यानी जिसकी हाई ब्रांचेस होती हैं तो उस पर हम जब टाई करते हैं तो स्फैग्नम हम टाई करते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से वो रिकवरी हो जाए, वो दोनों ज्वाइन हो जाए एक दूसरे से, ओके। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। ब्रायोफाइट्स आपके कंप्लीट हो गए बेटा, जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम आपको दिए उनको आप प्रॉपरली देखें, बाकी हर एक पॉइंट आपको प्रॉपरली लर्न करना है। हैव ए गुड डे।